Please click on subscribe button and hit the bell icon for latest updates. तो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपका नवीन ठाकुर के ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स काफ़ी दिन से मैंने यू नो पर्सनल ब्लॉग नहीं बनाए क्योंकि क्या करना यार, बिजी था आजकल काफ़ी, कभी मनाली कभी इधर कभी उधर। तो सर्दियों में क्या होता है कि ना दिन हमारे पास काफ़ी छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। तो फ्रेंड्स अगर कुल्लू की बात करूँ तो सुबह लगभग 7:30-8 बजे थोड़ा सा यू नो 7 बजे के बाद उजाला होता है और धूप लगभग 8:30-8 बजे के बाद ही आती है, तो काफ़ी लेट आती है और जो सनसेट होता है बहुत जल्दी हो जाता है। 22 दिसंबर के नज़दीक आने वाले हैं क्योंकि 22 दिसंबर सबसे छोटा डे होता है। तो फ्रेंड्स अभी जाना है और मैडम को लेके आना है क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारी मिसेज मायके में हैं, तो उन्हें मतलब छुट्टियाँ मिली थी ससुराल से काफ़ी, तो काफ़ी टाइम से हैं, थोड़ा रिलैक्स होने गए हैं, तो बस आज लेके आएंगे। और ठंड बहुत हो चुकी है और यू नो हमारे हिमाचल में, किसी और दिन दिखाऊंगा मैं आपको एक स्पेशल चीज़, अभी तो दिन है तो रात को जो चलता है तंदूर उसको दिखाऊंगा कैसा होता है, यू नो हमारा ट्रेडिशनल तंदूर और जिसकी जो हमारी लाइफ लाइन है यार कुल्लू मनाली की। तो जितने भी ठंडे एरिया चाहे वो लाहौल हो आपका लद्दाख हो तो उसकी लाइफ लाइन है। तो बस करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। तो फिर थोड़ी सी गाड़ी चलाई तो लगा कि लेफ्ट वाला यू नो टायर बैठा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आई डोंट नो। तो अपना शक एकदम सही निकला। आई तो ये बात वो होगी कि चला मुरारी हीरो बनने। तो अभी मैंने गाड़ी ज़्यादा निकाली नहीं थी, सिर्फ 20 कदम बाहर, तभी सोचा मुझे थोड़ी ना झुकाव सा लग रहा था गाड़ी में, ट्रक को ले जाना पड़ेगा बेबी। चलो चलो वापिस चलो वापिस चलो। तो फ्रेंड वापिस जाना पड़ेगा और अपने ट्रक की चाबी लानी पड़ेगी बिकॉज हम इसमें नहीं जा सकते। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कभी यू नो एंड टाइम पे ऐसा धोखा? तो फ्रेंड्स फाइनली पहुंच चुके हैं हम ट्रक में। देखो बात ऐसी है कि ट्रक में इसलिए ले नहीं जाता यू नो ट्रक को थोड़ी देर के लिए स्टार्ट रखना पड़ता है क्योंकि टेम्परेचर अभी लगभग 10-11 डिग्री है तो मुश्किल हो जाता है ना, टर्बो चार्ज ये चार्ज वो चार्ज, तो काफ़ी चीज़ें सहनी पड़ती हैं ट्रक के साथ। बट पेट्रोल के साथ ऐसा कुछ है नहीं, पेट्रोल को किया स्टार्ट और दौड़ पड़े। मैडम के घर मतलब उसके रूम के बाहर खुल गया। सिम सिम सिम, तू कैसे बैठी थी? ऐसे मेरे इंतजार में बैठी थी सच में, काफी दिनों बाद। नहीं एक्चुअली मुझसे तो मिलती रह रही है, मैं तो अभी 3-4 दिन पहले ही मिला हूँ इससे, बट आज घर जाने के लिए आप खुश हो? बहुत खुश। हाय ला, देखो क्या लगता है आपको लड़कियां खुश होती हैं वैसे अपने ससुराल जाने के लिए? ये मायके बैठना
नहीं, कई बार होती है ऐसी देखो होती है एक्चुअली। पता है इस बार क्या हुआ, इस बार मैंने पति को एक बार भी नहीं पूछा कि चलो घर चलते हैं या फिर कुछ ऐसा। तो इसको टेंशन होगी, 2-3 दिन नहीं 4 दिन से कर रही कॉल कि कब आओगे लेने, तुम तो भूल ही गए भूल ही गए, है ना। बेचारी शक्ल उतर गई यार, सर्दी जुकाम हो गया था इसको, बट अभी परसेंटेज में ठीक हो रही थी। कितना परसेंट ठीक हुआ? आज से फिर मैं एक शादीशुदा जिंदगी जीऊंगा। बट उससे पहले अब बीवी के लिए सरप्राइज लाया हूँ, गिफ्ट लाया हूँ, तो वो तो दे दूँ यार। मैं सुनता हूँ आपको, गिफ्ट शादी से पहले कब मिला गिफ्ट? याद शादी नहीं, शादी के बाद मिला कभी कोई गिफ्ट? नहीं तो फ्रेंड्स मेरा फर्स्ट गिफ्ट है यार, और सीरियसली मैंने बहुत मेहनत की है इस गिफ्ट के लिए। मतलब पक्का कुछ मजाक होगा। जानू तेरी कसम यार, भगवान कसम, महंगा गिफ्ट है ले। मैं इतना बड़ा गिफ्ट दे रहा हूँ, मजाक करने के लिए लाऊंगा बे? पक्का ये अमेज़ॉन का पैकेज होगा मेरा ही, उसी को ये नहीं रैप नहीं नहीं करके लेके आए। भगवान कसम तेरा नहीं, तेरा कुछ लाया नहीं मैं कसम से। अगर तेरा वो निकला इतने अच्छे कब से हो गए? मतलब इतना, मैं ले तेरी कसम खाता हूँ, अपनी कसम भी खाता हूँ, बहुत महंगा गिफ्ट है भाई। पर हाँ ये वाला जो गिफ्ट है ये शादी से पहला गिफ्ट है ना मेरा। शादी के बाद तेरे को कुछ दिया है यार? कहाँ से देता, शादी से पहले लूट चुका हूँ, इतने गिफ्ट दिए तुझे मैंने। ओह नहीं, आपने गिफ्ट दिए, खुद को दिए, नहीं नहीं बहुत दी सारे कि गिफ्ट, कैसे, बहुत जैसे सारे, कि जैसे कि पीसी, फिर उसके नहीं नहीं बाद वो शादी के बाद दिया, पहले पहले शादी से पहले बहुत कुछ गिफ्ट किया तुझे मैंने। मुझे हाँ बहुत पहले किया था, 10 साल पहले। चल भाई 10 साल पहले, प्लस तुमको गिफ्ट करता था भाई, खुद के खाने के लाले नहीं पड़ते थे, मैडम को गिफ्ट किया था मैंने। तो मैंने एक्चुअल में इसमें को सच में यार शादी के बाद बिल्कुल गिफ्ट नहीं दिया, तभी सोचा मैंने कि एक पति को गिफ्ट लाता हूँ। बट उससे पहले क्या हो सकता है ये गिफ्ट, नो आइडिया, आइडिया गेस कर लो। पता तो नहीं, चलिए बहुत यार बड़ा फ्रेंड्स सरप्राइज आप है। ऐसा करो, तब तक ना आप बता दो कमेंट सेक्शन में क्या हो सकता है। मतलब महंगा है बस ये याद रखना, बहुत महंगा। मतलब ना हिंदुस्तान में सबसे महंगी बहुत कम चीज लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज़ को। मतलब ये मजाक नहीं कर रहा मैं, माय ये गॉड, सीरियस है। नहीं आजा देख ले क्या है। तो बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत ही कम लोग। हाय भूत, शर्म आ गया रही देख। तो मतलब तुम सोच सकते हो मेरे प्यार का अंदाजा कितना तगड़ा है अरे दो यार। यार खोलती हूँ, प्लेटिनम यार इसको कितनी एक्साइटमेंट, रुक जाना पहले पहले गैस तो करके आओ। चल अनुमति तू बता क्या है। के कारण तो आपको कोई गैस है दो सरप्राइज है बिल्कुल। तो सरप्राइज गिफ्ट। तो याद रखना अपनी पति पत्नी के साथ रिलेशनशिप में खुश रहना है तो उसे गिफ्ट देना पड़ेगा तुम्हें। हाँ तभी आप 6 महीने बाद दे रहे हो, 6 महीने साथ बाद है साथ साथ। तो यार 7 महीने बाद कम से कम गिफ्ट तो दे रहा हूँ, बट इतना महंगा गिफ्ट कि आज तक दो किसी ने यार नहीं दिया खोल, होगा समझे, किसी ने। अबे कितना जल्दी इस क्या लड़की को। बन रहा है, मेरे को खुद को डाउट है कुछ ना कुछ ऐसे। नहीं, गिफ्ट तो है भाई, डब्बे के अंदर डब्बा हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, गिफ्ट तो है। फिर यार एक बार बताओ ना क्या हो सकता है। खुश देख कितनी लग रही है। पता नहीं है मैं कुछ भी, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला, तो मैं बिल्कुल नहीं सोच सकती कि आओ, पर ऐसा हो सकता है कि कोई गैजेट होगा जो खुद के यूज के लिए। मतलब इतना शक, हाँ भाई, इतना पॉजिटिव शक। हाँ इतना पॉजिटिव शक, चॉकलेट नहीं, ये डब्बा है सिर्फ, पैकिंग है। डेयरी मिल्क को देख के चॉकलेट सोचेंगे। एक्साइटमेंट देखो इस लड़की की यार, एक्साइटमेंट लेवल। तो होगा नहीं, पर मेहनत बहुत लगी यार, मतलब सीरियसली बहुत तगड़ी मेहनत लगी है मेरी इसको इसको डब्बे को पैकिंग डिजाइन करने करने में। के लिए। हाँ इसी के साथ पति मैडम ने अपना खोला। वो यार डब्बे के अंदर डब्बा, अरे डब्बे के अंदर तो डब्बा ही होगा ना, ऑब्वियसली क्या होगा सब, क्यों होगा डब्बे के अंदर डब्बा? क्यों वो तो अच्छा होता ना डब्बे के अंदर डब्बा। हे भगवान, इतने गिफ्ट पेपर बर्बाद अभी भी किए, गैस नो आइडिया। महंगी चीज है ये गिफ्ट पेपर, कहाँ से लेके आए? गिफ्ट हमें खुद रैप किया, सॉरी। हाँ लेके कहाँ से आए गिफ्ट पेपर? पक्के हैंकी होंगे क्या? नहीं हैंकी क्या महंगा होता है क्या बताएं? क्या अब फिर से डब्बे के अंदर डब्बा होगा पक्का?
डब्बे के अंदर डब्बा। और लास्ट में कुछ छोटी छोटी सील किया डबल टेप से। उधर देखो कैसे देख रहे हैं बिल्लू। बस बस वो तो एक मिनट रुक जा खोल ले इसका एक मिनट। तो फ्रेंड्स 10 सेकंड का मैं पॉज लेता हूँ कि इस गिफ्ट में क्या होगा। ऐसा कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, क्या हो सकता है। अच्छा ठीक है, आजकल सांप सूप कुछ नहीं है, बहुत महंगी। जल्दी यार कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करो, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जल्दी कमेंट करो वरना मैडम खोल देगी और मैडम भी खुश, आप भी खुश हो जाओगे। मतलब इसके लिए ना मर्डर भी हो सकती है, इतनी महंगी चीज है। चलो किसका मर्डर, आपका मर्डर, डबल टेप पत्ती। मैडम ने देख लिया, देखा, बोला था कि मैं सही से चला। नहीं एक बात बता, मैंने क्या झूठ बोला, महंगी चीज आएगी नहीं है। और ये इसको कौन खाएगा, यू, मैं तो प्याज खाती नहीं। नहीं यार सच बता, ये यार तुम बताओ तुम बताओ क्या ये कोई सस्ती चीज है भाई। आजकल तुम्हें पता है इसका रेट क्या है, इसको देखने के लिए 10 रुपए लगते हैं, 10 रुपए देखने का भाई। ये बहुत गलत किया, ये बहुत गलत। और तुम बताओ यार कितनी मेहनत की मैंने इसको लेने। पहले मेरी औकात बिल्कुल नहीं थी, बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे जोड़े यार, कसम से कितनों से उधार लिया, उसके बाद जाके ये ले पाया। ये क्या है पता ना तुम लोगों को, क्या बत्ती, प्याज। तूने सोचा भी नहीं होगा ना ये हो सकता है। मैं क्यों सोचूंगी, आए पर खुशी थी यार लड़की के चेहरे पे, बहुत खुशी थी बेचारी, आए बेचारी। आप सर पे लगाओ इसको। तो फ्रेंड्स तुमने सोचा होगा, सलाद बना के खाओ। नहीं तुमने सोचा होगा कि कोई ये गिफ्ट दे सकता है यार आजकल, वैसे भी मेहनत कौन करता है भगवान। यार बत्ती गिफ्ट दे, तू मतलब मेरी फीलिंग नहीं समझ रही। खुद की कसम खाई थी बेशरम, दे दो हमको प्याज। तो मैंने खुद की कसम खाई थी यार, तुम बताओ ये महंगी नहीं है, सस्ती है। खुद की कसम खाई थी कि कोई ब्लफ नहीं है। तो ब्लफ थोड़ी ना है भाई, गिफ्ट होता है, गिफ्ट गिफ्ट होता है भाई, गिफ्ट गिफ्ट होता है। देसी बंदा गिफ्ट तो यही देगा, आजकल सबसे महंगा चीज क्या चल रहा है भाई, हर कोई बात कर रहा है प्याज के बारे में, हीरे या फिर सोने के बारे में कोई बात कर रहा है, नहीं कर रहा, प्याज के बारे में बात हो रही है। कितना महंगा अफोर्ड कैसे होगा, मैं तो प्याज खाती हूं। चलो ये खाने के लिए नहीं है, मैं तो तेरे को क्या लगता है आजकल कोई खाएगा इसको, इसको चुपचाप ऐसा कर। उसका निर्मला सीतारमण हूं मैं क्या, मैं प्याज खा, मेरे घर में प्याज नहीं बनता जी। ओके पर आप इसको ऐसा करो, फ्रेम करवाओ बढ़िया से इसको ना कहीं पे, फ्रेम से पहले आप खा जाओ। नहीं नहीं इसको वो रखो शोपीस, एज अ शोपीस। तो फ्रेंड्स सच बताना कैसा लगा मेरा गिफ्ट, और अगर आपको आपको भी देना चाहिए, जो जो हस्बैंड मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर वाइफ देख रहे हैं, तो अपने पति को भी दे सकते हो गिफ्ट। या फिर अपनी क्या दिया, प्याज के इयररिंग्स। सच में हैं तो पता नहीं था मुझे, सच में वाओ, मतलब मेरा आइडिया कोई पहले चुरा गया था। हाँ। पर मैंने प्याज दिया है, आई एम द बेस्ट। हाँ तो फ्रेंड्स आज की ब्लॉग के लिए इतना ही यार, होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, बट मेहनत बहुत लगी, एक बार मेहनत देख लो कितनी लगी है, मेहनत देख लो मेरी। तो फ्रेंड्स मेहनत भी देख ली होगी आपने, बहुत ज़्यादा लगी है। तो बस आज की ब्लॉग के लिए इतना ही, पत्नी खुश तो पति खुश, पत्नी खुश तो अपना प्याज पकड़ो। प्याज का साइज बड़ा है, 100 रुपीज़ पर केजी, 150। ओ उधर से आवाज आई 150 रुपीज़, तो बहुत महंगी चीज़ जाई, शायद फ्यूचर में आपको मिले ही ना। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और पसंद आई होगी वीडियो तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। पीछे से मैडम गाली देगी, हाँ देखो तुम्हारे कैमरा ऑफ करते ही मुझे पीटने वाली है, तो प्लीज़ अगली देख लो, अभी मेरा चेहरा देख लो सब ठही सही है, मे बी like, देखो बच्ची बोल रही है वहाँ से, तो शायद मेरा चेहरा ख़राब होने वाला है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड स्टे सेफ।